तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं हम। एक छोटा सा प्रश्न कल रह गया था जिस पे हमने लिखाया था परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। तो आइए आज हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके समझते हैं और सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में आके जोर से बोल के लिख दें जय माँ सरस्वती, और जिससे हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझेंगे कि आखिर परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए परमाणु के बारे में, उसी के बारे में आज हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं, बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं कि आखिर परमाणु क्या है। तो आपको पता है कि कोई भी पदार्थ इस पूरे पृथ्वी पे, कोई भी पदार्थ अगर पाया जाता है तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर पाया जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो परमाणु है, आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सीन यहाँ से शुरू होता है जब आपके सामने ये जो शब्द आया है कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वहीं पे इस चीज़ की उत्पत्ति शुरू हुई। आखिर ये परमाणु क्या है, इसका फिर हमने किया ऑपरेशन। फिजिक्स वाले भी ऑपरेशन करते हैं बायोलॉजी के साथ साथ। उसके बाद हमने क्या किया, इस परमाणु शब्द का किया ऑपरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। चलिए उसके बाद बात चलती है किसकी, परमाणु की। तो आपको बता दें जो परमाणु होता है विद्युत उदासीन। कैसा होता है, विद्युत उदासीन का मतलब अगर आप हिंदी में समझें तो कह सकते हैं कोई आवेश नहीं होता। बोलो बात क्लियर। यानी जो परमाणु होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है जिसका समस्त भार जो होता है, आप कह सकते हैं समस्त भार, जितना भी पूरे परमाणु का समस्त भार है वो समस्त भार उसके नाभिक में उपस्थित होता है। कहाँ होता है, नाभिक में उपस्थित होता है। ये जो नाभिक है, मिड पॉइंट, इस नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी आपका जो परमाणु है वो तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। नंबर एक इलेक्ट्रॉन, नंबर दो प्रोटॉन, नंबर तीन न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन प्रकार का कण है, प्रोटॉन प्रकार का कण, न्यूट्रॉन, सभी की अपनी अपनी खासियत है। यानी आप कह सकते हैं परमाणु जो मिलकर बना होता है वो कणों द्वारा मिलकर बना होता है। और ये कण होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिस पर हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, किस पर, प्रोटॉन पर। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज लिख सकते हैं आप, नो चार्ज। बोलो बात क्लियर। अब यहाँ से आप समझेंगे इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो बहुत अच्छा तरीका, बढ़िया तरीका, समझिए कि परमाणु, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। जैसे हम बोल रहे उसी तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं, प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कण उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन पर होता है धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होने के कारण पूरे नाभिक का जो आवेश होता है वो कैसा हो जाता है, धन आवेश। यानी यहाँ से दूसरी बात निकल के आ गई कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो बोलो बात समझ आई, नाभिक में होता है धन आवेश और नाभिक के चारों ओर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जिस कारण नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की संख्याएं समान हो जाती हैं। और आप जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव
दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर जीरो आएगा, जिस कारण ये जो परमाणु है ये आपका हो जाता है विद्युत उदासीन। तो यही परमाणु का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत था जो आपने देखा, समझा और सीखा। डेफिनेशन हमने बोल दी है, वीडियो को थोड़ा स्लो स्लो करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपका पूरा प्रश्न हो गया तैयार। यदि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया है तो जरा एक बार लाइक करें, शेयर करें और फटाफट दोस्तों के साथ सजेस्ट करें। अगर आपकी ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप अगले प्रश्न के लिए हो जाइए तैयार। अगला प्रश्न आ रहा है बहुत अच्छा, लाजवाब, मज़ेदार, फैंटेस्टिक। तो प्रश्न के बोल कुछ इस प्रकार हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न एकदम खतरनाक, लाजवाब और ज़बरदस्त। प्रश्न का नाम है विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा सा है, मासूम सा, क्यूट सा, जरा एक बार देखें और सीखें विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए, आपने पढ़ा आवेश के बारे में, अगर आप एक जगह से आवेश को उठा करके दूसरी जगह पर आवेश को लेकर जाते हैं तो प्यारे बच्चों जीवन में बात याद रखना कि जब भी आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ ना कुछ लगता है, समय। यानी आवेश के प्रवाह में क्या लगा आपको, समय लगा। और समय को हम लोग दूसरे शब्दों में दर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, दर। तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझना, और प्यारी सी डेफिनेशन है क्या, आप प्रवाह क्या करा रहे हैं, आवेश, कितने में, एकांक समय में। आप कह सकते हैं एकांक समय में, डेफिनेशन में बोलूँगा आप लोग से लिख लेना, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लूँ, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना है जीवन में। चलिए ओके बेटा, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मात्रक कितने बच्चे जानते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आके इसका मात्रक लिख देना जरा, कितने बच्चे इसका मात्रक जानते हैं भाई, दोस्तों मात्रक जानते हो तो मात्रक लिख दो इसका। चलिए देखिए, इसी को डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में एक और कहना चाहें तो आप बताया था समय को कहते हैं दर, तो आप कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और बेटा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जीवन में याद रखना, धारा को प्रदर्शित करेंगे आप आई से और आवेश को प्रदर्शित करेंगे क्यू से और समय को करेंगे टी से। इस प्रकार आपका बन जाएगा आप आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और अगर हम आपसे इसके मात्रक की बात करना चाहें, इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है मात्रक कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम प्रति। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी आपका फॉर्मूला क्या बन गया, तैयार हो गया, वो मात्रक क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकेंड। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, किसकी मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है ए एम पी ई आर ई, बोलो से क्या बोलते हैं, एम्पियर, बोलो बात क्लियर। तो यहाँ से आपने निकाली, यहाँ से आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि वन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वन कूलाम पर सेकेंड, बोलो बात क्लियर। और यहाँ से आपसे एक चीज़ और पूछ सकते हैं कि वन कूलाम इक्वल टू क्या होगा, वन कूलाम इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोल देना कि वन एम्पियर इंटू में सेकेंड, बोलो बात क्लियर, कि एक कूलाम यानी कूलाम को आप एम्पियर इंटू सेकेंड भी कह सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कुछ अच्छी बातें हैं, सारी चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें क्या, चलो 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 चलो
देखिए आगे अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दूसरा प्रोटॉन पर आवेश, तीसरा न्यूट्रॉन पर आवेश, चौथा वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, इस पर होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, कूलाम सबका मात्रक होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर होता है नो चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगला प्रश्न आपसे हम पूछना चाहते हैं कि अल्फा कण, कौन सा अल्फा कण पर, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है। तो आप में से ऐसे कितने धुरंधर योद्धा खतरनाक सैनिक बैठे हैं जो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप दे सकते हैं तो मुझे ज़रा बताइए कौन कौन का आंसर दे सकता है। बोलो बात क्लियर, अगर आपको समझ में आ गया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा ये आपके, ठीक है। क्लियर, अगला प्रश्न बच्चों लिखेंगे विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से अच्छी तरीके से समझेंगे। आपने अपने जीवन में सुना होगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सेम उसी तर्ज पर ये बना है आपका विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसे थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने क्या सुना था, ऊर्जा ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बस जस्ट सेम उसी प्रकार ये है क्या, एक पदार्थ ये क्या है दूसरा पदार्थ, अभी ये दोनों पदार्थ कैसे हैं, अनावेशित हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं है। यदि इन पर कोई भी आवेश नहीं है बच्चों तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप रगड़ेंगे तो एक धनावेशित होगा दूसरा ऋणावेशित, या ये धनावेशित तो ये ऋणावेशित, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन दोनों पदार्थों में इस समय जस्ट टाइम इनमें कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि एक आपका कौन सा है, एक आपका है ब्लू एक है ब्लैक, दोनों का अगर हम कुल आवेश ज्ञात करें तो कुल आवेश कितना निकल के आ जाएगा शून्य, 0+0=0, यानी हम कह सकते हैं कि कुल आवेश बराबर कितना है शून्य। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अब इन दोनों वस्तुओं को आपस में दोस्तों क्या कर दिया है, रगड़ दिया है, रगड़ने के बाद इसके 5 इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो जाहिर सी बात एक पर प्लस के 5 हो जाएंगे, जिसके कमी हुई है वो माइनस का हो गया, जिसमें क्या हुआ है कुछ ना कुछ अंतर हुआ है। तो मान के चलिए सपोज दैट लेट्स कि एक पर आ गए प्लस का 5 आवेश, एक पर आ गया माइनस का 5 आवेश। अगर हमने कुल आवेश ज्ञात करना है, यदि हमें कुल आवेश ज्ञात करना है तो हम कह सकते हैं कि कुल आवेश कैसे आएगा, तो बेटा 5 की जगह 5 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 0। यानी हम कह सकते हैं कि घर्षण से पहले भी इन दोनों का कुल आवेश शून्य था और घर्षण के बाद भी इन दोनों का कुल आवेश शून्य ही है। इसका मतलब ये आवेश को ना आपने उत्पन्न किया है और ना ही आवेश को आपने नष्ट किया है, कुल आवेश पहले भी शून्य था, कुल आवेश बाद में भी शून्य है। तो इससे आपने ये सीखा कूलाम आवेश संरक्षण सिद्धांत से कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप इस बात के लिए रहे तैयार, अगला प्रश्न आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। प्रश्न बहुत प्यारा सा अगला, मूल आवेश किसे कहते हैं। अब आप जानेंगे मूल आवेश किसे कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मूल आवेश के बारे में जानना है, मूल आवेश कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कल का वीडियो। तो ये वीडियो मिलेगा आपको कल, और अभी वीडियो थोड़ा छोटी छोटी आ रही हैं,
अगर आपने अपना ऐसे प्यार दिखाते रहे तो हमारी वीडियो धीरे धीरे बड़ी होती रहेंगी और बड़ी हो जाएंगी और बड़ी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपको चार चार घंटे की वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन पहले आप देखिए, बढ़िया समझिए। तो आज के दिन काफ़ी है भाई का शेष। अगली वीडियो में मिलेंगे। फिर से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। जय हिंद।